वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, वे आदि। वरुण, आप प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बताइए। प्रश्नवाचक सर्वनाम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, कैसे आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक कहते हैं, जैसे कुछ, कोई, किसके आदि। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम दो बातों में संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जिसकी, उसकी, जहां, जैसी, वैसी आदि। बीजवाचक सर्वनाम कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप आदि। गुड। तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। समझ में आया बच्चों? yes.